नहीं करते, ऐसे भी प्राणी है संसार के अंदर 84 लाख योनियों में। हम जो चलने फिरने वाले प्राणी हैं उनके बारे में उन सोच सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, परंतु ऐसे भी प्राणी हैं संसार के अंदर जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते। अब उनका भला करेगा कौन? ऐसे प्राणी जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उनका भला कैसे किया जाए? हमें नहीं दिखाई देता, परंतु शास्त्र कहता है कि यह ब्रह्मांड इन जीवों से भरा पड़ा है, एक अंगली डालने के वास्ते जगह खाली नहीं है। उनको कौन तारेगा? उनको तारने के वास्ते तुम लोग ही तो है, भगवान के भगत है। यदि आप जयकारा भगवान का बोलते हैं, वो आपके मुख से भगवान की वाणी जब निकलती है उन प्राणियों के कान पर पड़ती है तो उनको शांति मिलती है। वो सोचते हैं कि कोई तो भी भला आदमी जिसने भगवान का गुणगान करके वो अमृत में वाणी हमारे कान तक पहुंचाई है तो बड़ा भारी उपकार है। अन्नदान की बोरियां हजारों देना एक तरफ और जयकारा बोलना एक तरफ है। तो और फिर दूसरी बात यह भी है, संसार में हमारे पास में कितनी चीजें भेजी है, हम कितनी लेके आए संसार में, जब आए दुनिया में क्या क्या लेके आए थे, है किसी को पता? नहीं। कोई देने वाला होगा? परमात्मा ने हमें 3 चीजें दी है, याद रखने, बाकी तो उसके अंदर आ जाती है, तन मन और तीसरा धन। अब जब दी है, किसी ने कोई चीज दी हो तो हमारा फर्ज क्या बनता है? हमें कोई पैसे दे और हम लेकर के फेंक दे, ये तो नहीं सेवा देता है। यदि मन दिया है, तन दिया है, धन दिया है, तो उसका उपयोग हम करें और साथ में दूसरों को फायदा भी पहुंचाएं। तीसरी बात है उसको सुरक्षित रखें। अब वो सुरक्षित कब रहेगी? एक व्यक्ति है सरदार बैठे, मुझे कल आए थे परसों आए थे, मिले बैठे थे, बात बात में इन्होंने 500 की नोट मेरे हाथ में पकड़ाई। अब ऐसे वक्त में इनके सामने वो नोट लेके यदि मैं फेंक दूं तो कितना बुरा लगे? यदि वह मैंने ली प्रेम से और खिसे में भी रखी और उसका इस्तेमाल आज के कार्यक्रम में जहां जरूरत होगी वह खर्च हुई, वैसे ही जो तन मन धन परमात्मा ने हमें दिया है तो उसकी सुरक्षा करना हमारा पहला फर्ज है। तो वो कैसे? यदि हम सुरक्षा नहीं करते हैं तो भगवान ने उसके वास्ते एक सर्टिफिकेट बनाया है। सर्टिफिकेट, मुझे अंग्रेजी आता नहीं, कहीं गलती हो तो आप सुधार लेना। तैं दत्तान प्रदाय जो यो भूते स्तेन एव सह। सभी मनुष्य मात्र को भगवान ने आदेश दिया है, भले आदमियों तुम्हें हमने तन मन और धन दिया है, तो दिया है इसका मतलब तुम कृतज्ञ नहीं बनना है, कृतज्ञ बनना है कि परमात्मा ने हमें दिया तो उस तन मन और धन का इस्तेमाल आप भी करें और औरों के काम में भी आए। यदि उसका इस्तेमाल परोपकार के वास्ते नहीं करते, सस्तेन एव वो दुनिया का चोर होता है जो तन मन धन परमात्मा की सेवा में परोपकार में खर्च नहीं करता। कहते